हेलो स्टूडेंट, दिस इज पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर वन, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन डिटरमाइन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ रीजन. देखिए, जो जियोग्राफिकल कंडीशन है या क्लाइमेटिक कंडीशन किसको डिटरमाइन करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करती है. पीपल लिविंग नियर द कोस्टल एरियाज फॉर एग्जाम्पल एंगेज इन फिशिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. देखिए, वहाँ लोग जो समुद्री तट पर रहते हैं या समुद्र के आसपास के इलाकों में रहते हैं, उनका जो ऑक्यूपेशन होता है या वो एंगेज होते हैं फिशिंग में और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं. इन कोल्ड माउंटेन्स रीजन रेयरिंग एनिमल्स सच एज शिप एंड याक इज चीफ ऑक्यूपेशन. और वहाँ लोग जो माउंटेन रीजन में रहते हैं, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है रेयरिंग एनिमल जैसे कि शिप याक, उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है. दीज डिफरेंट जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिकल कंडीशन इन्फ्लुएंस द डाइट, ड्रेस, कस्टम्स एंड कल्चर ऑफ द पीपल. और यह जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, किस किस किन किन चीज़ों को इफेक्ट करती है, अपनी डाइट को इफेक्ट करती है, ड्रेसअप को इफेक्ट करती है, कस्टम्स और कल्चर को इफेक्ट करती है वहाँ पर रहने वाले लोगों के. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ जियोग्राफिकल फैक्टर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, लेट्स स्टडी अबाउट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. देखिए, इस फैक्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम दो स्टेट को कंपेयर करेंगे. लेट्स स्टडी अबाउट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. हम इंडिया के दो अलग अलग पार्ट्स को लेंगे. फर्स्ट इज केरल एंड सेकेंड इज लद्दाख. फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, नीचे टेबल दी गई है, उसमें इन दोनों को कंपेयर करेंगे. यहाँ की जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है उसको कंपेयर करेंगे और यहाँ का जो जियोग्राफिकल फीचर्स है उसको कंपेयर करेंगे. फीचर्स, लोकेशन, केरला साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया. ये कहाँ पर सिचुएटेड है? साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया. लद्दाख नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया, ये इंडिया के नॉर्थ पार्ट पर है, पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है. सेकेंड जियोग्राफिकल फीचर, केरला की जियोग्राफिकल फीचर, सराउंडेड बाई सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड. देखिए, एक तरफ सी से घिरा हुआ है तो दूसरी साइड हिल्स से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है. अब हम लद्दाख के जियोग्राफिकल फीचर की बात करें, सराउंडेड बाय स्नो कवर्ड माउंटेन्स, यह चारों ओर से स्नो कवर्ड माउंटेन से घिरा हुआ है. फीचर्स, थर्ड पॉइंट इज क्लाइमेट. केरला का क्लाइमेट हॉट एंड वेट, हॉट एंड वेट यहाँ का क्लाइमेट होता है. लद्दाख का जो क्लाइमेट होता है वो कोल्ड एंड ड्राई होता है. प्रिंसिपल फूड, यहाँ का जो स्टेपल फूड होता है केरला के फूड की यदि बात की जाए तो राइस, वेजिटेबल्स एंड फिश यहाँ का स्टेपल फूड होता है. और यदि लद्दाख की बात की जाए तो मीट, मिल्क प्रोडक्ट यहाँ का स्टेपल फूड होता है. ऑक्यूपेशन, केरला का ऑक्यूपेशन फिशिंग एंड ट्रेडिंग. बिकॉज यह समुद्र तट पर स्थित है इसलिए यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग और ट्रेडिंग है. लद्दाख एनिमल रेयरिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ लद्दाख. लुकिंग एट बोथ एग्जाम्पल्स वी कैन सी दैट केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर्स विच इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन दीज रीजन्स. यदि हम दोनों केरला और लद्दाख को देखते हैं, टेबल में हमने देखा तो क्वाइट डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से. यहाँ की जो जियोग्राफिकल फीचर है वो इन्फ्लुएंस करती है, इफेक्ट करती है यहाँ के लोगों को, के लाइफ स्टाइल को, यहाँ के लोगों के ऑक्यूपेशन को. नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी में भी किस तरह से हमारे देश में यूनिटी है, किस तरह से अनेकता में एकता वाला देश भारत कहलाता है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दिस कॉमन कल्चर बैकग्राउंड क्रिएटेड इंडिया एंड गिव इट एन इम्प्रेस ऑफ यूनिटी इन स्पाइट ऑफ इट्स डाइवर्सिटी. जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बाद भी हमारा देश एक है और एकता के सूत्र में बंधा हुआ है. आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज वन हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. देखिए, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक फ्रेज दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. और उन्होंने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में. इमेजिन दैट देयर वाज ओनली वन वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड ऑल द पीपल अराउंड यू लुक्ड द सेम, हाउ डल एंड बोरिंग दैट वुड बी.
अब इमेजिन करिए यदि हमारे आसपास के सारे लोग एक जैसे दिखते, उनका पहनावा एक जैसा होता, उनका फूड एक जैसा होता, तो क्या हमारे देश में जो वैरायटी है ये आ पाती? हम अपने आप में बोर फील करने लगते, जो डाइवर्सिटी है या हमारे देश को इंटरेस्टिंग बनाती है, हमारी लाइफ स्टाइल को इंटरेस्टिंग बनाती है। डाइवर्सिटी एड्स फ्लेवर टू आवर लाइफ, जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ में फ्लेवर एड करती है। इट शोज अस दैट देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, साड़ी इज अ ड्रेस वर्न बाय द मोस्ट ऑफ द वुमन इन इंडिया। यदि हम उदाहरण के तौर पे समझें तो जो लेडीज है उनका मेन वियर है साड़ी, या जो मेन पहनावा है वो साड़ी। लेकिन However, it is worn differently in different parts of India. लेकिन इसको पहनने का जो तरीका है वो different parts में different है। जैसे मराठी women's इसको अलग तरह से पहनती हैं, तो गुजराती इसको अलग तरीके से पहनती है, और बंगाल में इसको different तरीके से पहना जाता है। लेकिन जो पहना जाता है वो साड़ी है, लेकिन उसको different तरीके से पहना जाता है। Despite the diversity, there is a strong feeling of oneness among the people of India. इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद, इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बाद भी हमारे अंदर वननेस की या एकता की फीलिंग है। एन एग्जाम्पल टू शो दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और यह जो फीलिंग है यह किसको शो करती है? हमारी यूनिटी को शो करती है। और यह यूनिटी की फीलिंग कब से हमारे मन में? फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल को भगाने के लिए जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे या लीडर्स थे, उन्होंने स्ट्रगल किया और हमने फ्रीडम हासिल की, और उसी से हमारे मन में या हमारे हार्ट में यह फीलिंग पैदा हुई। द ब्रिटिश रूल्ड ओवर आर कंट्री फ्रॉम नियरली 200 ईयर्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंडियंस बिलोंगिंग टू ऑल रीजन्स रिलीजन्स एंड कास्ट कैम टूगेदर। और यह जो फ्रीडम है हमने लगभग 200 ईयर्स के बाद हमें मिली, और इस दौरान जो इंडियंस थे जिन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया, वह अलग अलग रीजन से थे, अलग अलग रिलीजियंस थे, अलग अलग कास्ट के थे। टू फाइट द ब्रिटिश एंड इवेंचुअली ड्रैग्ड देम आउट द कंट्री एंड गेन फ्रीडम। लेकिन फिर भी उन्होंने एकजुट होकर यूनिटी से स्ट्रगल किया और हमने फ्रीडम हासिल की। सिंबल्स सच एज द नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। दीज रिमेन अस कॉन्स्टेंटली ऑफ इंडियाज कैपेसिटी ऑफ यूनाइट। और जो हमारे नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, यह हमें एक यूनिटी की फीलिंग्स हमारे अंदर पैदा करते हैं। अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम टू शो यूनिटी इन डाइवर्सिटीज आर हॉकी टीम। हॉकी इज आर नेशनल गेम। As you know, hockey is our national game. The Indian hockey team has members from different religions. और hockey team में जितने भी members हैं वह different religions के हैं, different reasons के हैं, family background, उनका family background भी अलग अलग है। Despite these differences, all the members play as the team and represent our country. इतनी सारी diversity होने के बाद चाहे उनका reason अलग है, religion अलग है, और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी अलग है, लेकिन फिर भी वह किसके लिए खेलते हैं? टीम बनाकर आर कंट्री, हमारी कंट्री के लिए खेलते हैं। उनके अंदर एक यूनिटी होती है। दस वी कैन से दैट डाइवर्सिटी इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर वर्ल्ड एंड लाइफ। तो हम कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वह एक एसेंशियल कंपोनेंट है आर वर्ल्ड और आर लाइफ, हमारे विश्व के लिए और हमारी लाइफ के लिए। थ्रू इट वी लर्न टू रेस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट अदर्स। और इस तरह से हम दूसरों को क्या लर्न टू रेस्पेक्ट, हम दूसरों की रेस्पेक्ट करना सीखते हैं एंड अप्रिशिएट अदर, और इसके द्वारा ही हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। कल्चर एंड ट्रेडिशन, देयर बिलीव्स एंड फेथ एट्सेट्रा। और उनके कल्चर की रेस्पेक्ट करते हैं, उनके ट्रेडिशन की रेस्पेक्ट करते हैं, उनके बिलीव्स और फेथ की रेस्पेक्ट करते हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। डाइवर्सिटी एड्स कलर टू आर लाइफ। और जो डाइवर्सिटी है वह हमारी लाइफ में कलर ऐड करती है, अलग अलग कलर को ऐड करती है, अलग अलग कल्चर को ऐड करती है, अलग अलग ट्रेडिशन को ऐड करती है, एंड एनरिच्स आर कल्चर। हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है उसको एनरिच बनाती है, उसको समृद्ध बनाती है। सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट डाइवर्सिटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।